मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह हो रखा है मौसम, बिल्कुल बारीक बारीक जो है बारिश हो रही है, अभी बहुत ही कम, तो अभी बारिश थमी हुई है थोड़ा सा और बहुत ही कम हो रही है, जो कि दिखाई भी नहीं दे रही है। तो इस तरीके का जो है आज का मौसम हो रखा है सतपुली का। ये देखिए अभी आसमान एकदम घनघोर हो रखा है, बादल ढके हुए हैं, तो आज तो धूप की कोई उम्मीद नहीं है कि धूप आएगी। और कल परसों का भी अलर्ट आ ही रखा है, तो मैंने सोचा थोड़ा दिखा दिया जाए आपको। हालांकि नदी का पानी जो है बहुत ज़्यादा मटमैला तो नहीं है, लेकिन हल्का सा मटमैला हो रखा है, हल्का सा धुंधला टाइप का हो रखा है। कल तो साफ था पानी, आज थोड़ा गंदा हो गया हल्का सा। दोस्तों यहाँ पे बन रहा है मेरा खाना और मैंने बना दी यहाँ पे तोरी की सब्जी, मतलब तोरी का साग और भात खाएंगे आज। तो सर जी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। तो आज जो चावल रखे हैं मैंने आज फ्राई पैन में रखे हैं, क्योंकि तेजस को चावल नहीं खाने हैं, उसके लिए खिचड़ी बनेगी। उसे स्मॉल पॉक्स हो रखा है, 3-4 दिन हो गए हैं, तो उसके लिए खिचड़ी बनाऊँगी। और सर जी और मैं तोरी का साग और भात खाएँगे। अभी सर जी दुकान में है, फिर थोड़ी देर में आएँगे। उसकी वीडियो देख रही है? अच्छा। चल ठीक है, अभी विश करूंगी मैं भी। चल आम ले जा, ए डब्बे में ले जा आम, दे दो भाई खाने में। निकालो निकालो अपने आप, छांट ले बहन, खाने लायक तो होंगे कुछ ना कुछ। एक गांव के आम जो है ना, ये सरजी लेके आए, कुछ तो मैंने दीदी को दे दिए बगल में, देख ले जो है ठीक ठाक ले जा, नहीं तो इनकी चटनी बना देंगे। चटनी बनाओ, चूस लो, अच्छे हो रहे हैं, अब तो मीठे हो रहे हैं, पता नहीं छोटे वाले मीठे हैं पर बड़े वाले खट्टे हैं। हाँ बड़े खट्टे हैं, हाँ चटनी बना, चटनी बना लेना, ले जाओ। हाँ हाँ ले जा, मैंने क्या करना, जरा तेरे दिया जी खाएंगे खाने के साथ, ले जा ले जा। हाँ तो गिरे हुए ना ऊपर, इतनी हाइट से गिरते हैं वो, तो शुक्र है कि इतने फूटते भी नहीं है। ले जा ले जा और ले जा, बहुत है ना, जाल लालच नहीं करना चाहिए, जाते जाते भी एक और उठा लेना चाहिए। ठीक है चल, ठीक है ठीक है, ओके ओके। आज सुबह पता है रात को क्या हुआ, कल यहाँ पे ऐसे छाता लेके कोई खड़ा रखा था नीचे सड़क में, और मैंने कहा ये डब्बे क्यों आ रखे हैं यहाँ पे, फिर पता चला वो उधर चली गई लड़की। अरे वो तनिषा रही है। हाँ पता नहीं, सेम छाता था भाई। हाँ तो यही छाता तनिषा को दिया था ना कल बारिश आ रही थी। अच्छा ठीक ठीक, नदी बढ़ गई डब्बे देख, सुबह कम थी थोड़ा, अभी थोड़ा बढ़ गई है, शाम तक पता नहीं कितनी बढ़ेगी। बारिश तो लगी रही है, खैर अभी 1 बज गए और सरजी भी नहीं आए अभी तक, मैं सरजी का वेट कर रही हूँ। और जैसे ही सर जाएंगे तो खाना वाना खाएंगे, फिर सरजी को मंदिर जाना है। और बाहर का मौसम तो ख़राब ही हो रखा है बहुत टाइम से, तो आ जाते जल्दी तो हम खाना वाना खा लेते, टाइम से चले जाते सरजी। तो दोस्तों हमारे छत में बहुत ज़्यादा हो रखी है काई, और सरजी यहाँ पर डाल रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, कुछ तो सुबह भी डाला था। अच्छा ये गौरव से डलवाया था मैंने, फिर मैंने झाड़ू से कर दिया था इसे, लेकिन कम पड़ गया, 1 ही किलो आया था, फिर मैंने सरजी से और मंगवाया और अब इसमें डालेंगे। बहुत काई जम रही है। तो अब इसे फैला देंगे, जरा सब जगह हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो निकल ही जाएगी, एक आध बार और डालनी पड़ेगी ब्लीचिंग पाउडर। तो सर जी ने सबसे पहले आके छत में ब्लीचिंग पाउडर ही डाला और अपने सर जी के लगा के खाना देती हूँ उनको, फिर मिलते हैं इसके बाद में। तो दोस्तों खाना खाने के बाद सर जी तो चले गए मंदिर और मैंने थोड़ा आराम किया, उसके बाद मैं उठ गई हूँ और अब मेरा हो गया चाय का टाइम, टी टाइम। तो मैं आज चाय नहीं पी रही हूँ, आज मुझे दूध पीना पड़ रहा है, जो है तेजस को भी दूध पीने के लिए मना हो गया है कि तेजस ने दूध नहीं पीना है, तो अब क्या है कि मुझे ही दूध पीना पड़ रहा है। और ये गिलास जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपके घर में भी होंगे, लेकिन ये गिलास जो है मेरे आए हैं केरल से,
तो आज मैं इसमें दूध पी रही थी तो मुझे ध्यान आ गया कि मैं चलो आपको भी बता देती हूँ कि ये गिलास मेरे कहाँ से आए हैं। तो ये गिलास आए हैं मेरे केरल से और एक स्कीम के थ्रू आए हैं। तो पहले जैसे एक स्कीम चलती थी कि अपने बाद तीन मेंबर बनाइए और जब वो तीन भी तीन तीन मेंबर और बना देंगे, मीन्स मेरे बाद नौ मेंबर और बन जाएंगे तो मेरे लिए कोई गिफ्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही एक स्कीम चली थी, केरला की थी, साउथ की। तो उसमें मुझे चार गिफ्ट मिले तो मेरे बाद तीन मेंबर मैंने बनाए, फिर उन तीनों ने भी अपने तीन तीन मेंबर बनाए। तो उसमें बताती हूँ मैं आपको कि मुझे क्या क्या मिला। तो सबसे पहले मुझे आज से खैर 10 या 12 साल पहले की बात है, तो सबसे पहले मुझे मिला उसमें एक फ़िल्टर 20 लीटर का, 10 लीटर का उनका स्टील का फ़िल्टर था, ऊपर वाला जो टैंक होता है और 10 लीटर का नीचे वाला, और तीन रॉड थी उसमें फ़िल्टर करने वाली, और उसके साथ चार ये वाले गिलास जो मैंने अभी आपको दिखाए, एक स्टील की ट्रे। तो इतना मुझे फर्स्ट गिफ्ट में मिला। और फिर उसके बाद मैंने तीन मेंबर और बनाए, फिर उन तीनों ने और बनाए। तो उसके बाद दूसरा गिफ्ट आया मेरा मिक्सी, और तीसरा गिफ्ट आया मेरा यासिका का कैमरा। तो तीसरा गिफ्ट जो था वो यासिका का कैमरा आया। तो चौथा गिफ्ट जो आया मेरा वो थी एक रिंग, इस उंगली में, रिंग फिंगर में पहने जाने वाली, और गोल्ड रिंग थी, गोल्ड की थी, वो थी लगभग 22 कैरेट की रही होगी, 1 ग्राम की थी। तो जैसे ही मैंने 2-4 दिन पहनी, मतलब 15-20 दिन के अंदर उसका लॉक यहाँ से टूट गया, क्योंकि बहुत पतली सी हल्की सी थी। तो मेरे चार गिफ्ट उस स्कीम के थ्रू आए, और आज मैं इसमें दूध पी रही थी तो मुझे ध्यान आ गया, तो चलो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो ऐसी जब स्कीम चलती है तो कभी कभी क्या है, लेडीज़ अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में मेंबर बना बना के और अपने लिए कुछ जो है गिफ्ट का कलेक्शन कर लेती हैं। तो उस टाइम मेरे लिए भी चार गिफ्ट आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों ने भी कभी अगर ऐसी स्कीम बनाई हो और ऐसी स्कीम आपने ज्वाइन की हुई हो या करते हों तो बताइए कि आपका क्या क्या गिफ्ट आया और कौन सी स्कीम में आपने काम किया था। और इस ब्लॉग को आप करते ही यहीं पर एंड लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ इंजॉय कीजिए। और आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।